मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो डियर, आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई क्योंकि आज भी दीदी लोग थोड़े देर पहले ही गई है और उसके बाद ना बहुत ही ज़्यादा काम था, मुझे बहुत ही ज़्यादा कपड़े बहुत ही ज़्यादा धुलने थे क्योंकि आप जानते हो कोई भी आ जाता है ना तो फिर जाने के बाद थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो कितना सारा काम बढ़ जाता है। तो बहुत ही अधिक बेडशीट वगैरह था, सब था। और दूसरा, कल मंगलवार है तो जिसके वजह से कल मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, तो आज ही सारा काम कर ली हूँ जिसके वजह से आज बहुत लेट भी हो गया है और थक भी गई थोड़ा सा क्योंकि कपड़े सबसे अधिक कपड़े थे। तो मैं ना जिस दिन ज़्यादा कपड़ा रहता है ना तो मैं मशीन में लगाती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कपड़ा रहता है ना तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। इसे ये सब एक्टिविटीज़ करनी चाहिए हमें, तो थोड़ा बहुत कपड़ा मैं हाथ से धुल लेती हूँ लेकिन जब ज़्यादा रहता है तो मशीन से धुलनी होगी ना, तो इसीलिए मशीन से धुल लेती हूँ। तो चलिए, वैसे मैं आज मुझे उतना खाना नहीं बनाना है क्योंकि सुबह में ही जो मैं बनाई थी ना, चना का सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी तो रखी हुई है, और कल जो मैं बनाई थी चावल और दाल ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसे यूज़ कर लेंगे अभी फ्राई कर। और चावल तो खैर रात में ख़त्म हो गया था, सभी ने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया था, तो अभी बस भुजिया बना लेते हैं और चावल बनाते हैं गर्मा गर्म थोड़ा सा, और रोटी है तो आज मैं आपको दिखाऊंगी रोटी खाकर, क्योंकि आज मेरे खाने में रोटी भी रहेगी तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से खानी चाहिए। ये चलते हैं किचन में क्योंकि सत्तू पी लेते हैं, खाने का मन नहीं हो रहा है तो सत्तू ही पी लेते हैं। तो डियर, यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी सत्तू की शरबत और नापकर ही बना रही थी क्योंकि मुझे ही पीना था, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं वो इस तरीके का शरबत वगैरह पीने के लिए, और हस्बैंड जी भी का भी कोई मतलब नहीं रहता है, कभी कभी आते हैं खाना खाने, कभी नहीं आते हैं, इसीलिए एक गिलास अपने लिए ही। तो ये बनाना ना बिल्कुल आसान होता है, बस अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज, मिर्ची, नमक, चाट मसाला, नींबू डाल दें, और अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो फिर नमक और चाट मसाला और नींबू डालकर भी बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है और इसके वजह से हम बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं। तो ये हमारी वेट लॉस जर्नी में हमारा वेट लॉस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो आप अगर चाहें तो इसे आप अपने सुबह के नाश्ते में ज़रूर इंक्लूड करें, ये पेट को भी ठंडा रखेगा और पानी भी पी सकते हैं और उसके बाद पेट बहुत देर तक फुल रखता है, तो बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता होता है। तो उसे पी ली थी आराम से, किसी भी चीज़ को आप खाते हैं पीते हैं तो थोड़ा सा आराम के साथ खाएं, 32 बार का यही रूल है। उसके बाद फिर मैं तुरंत आई, दो आलू काटी हूँ आलू की भुजिया बनाने के लिए, और थोड़ा सा चावल बनाना था तो मैं आज कुकर में ही बना दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बनाना नहीं था, रोटी रखी हुई थी तो रोटी भी यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मेरी भुजिया बनकर हो गई है तैयार। जब भी भुजिया वगैरह मैं बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा ऑयल इसी तरीके से निकाल देती हूँ, भुजिया में तो निकल जाती है, सब्जी में नहीं निकलती है, लेकिन हाँ भुजिया में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल रहता है तो निकल जाता है। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रोटी भी, आज मेरी थाली में रोटी भी रहेगी तो किस तरीके से खाते हैं उसे भी मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पर इस वाले रूम में बेडशीट नहीं बिछी हुई थी क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी काम कर रही थी ना, तो बस पलंग का बेडशीट निकाल कर मशीन में डालने के लिए ले गई और फिर भूल गई कि यहाँ बेडशीट भी बिछाना है। वैसे इस वाले रूम में कोई जल्दी आता जाता नहीं है, जितने भी गेस्ट आते हैं ना तो बस बीच वाले रूम में ही आते हैं, तो इसीलिए इसे मैं बोली चलो बाद में बिछा लेंगे, लेकिन वो वाला रूम को मैं खाली नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करना, जिस दिन आपका घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहेगा ना, जिनको भी आना रहता है ना उसी दिन आते हैं, आज जिस दिन आप पूरा अच्छे से कर रखेंगे उस दिन कोई नहीं आता है। तो ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो खाना तो बन ही चुका था, बस यही करना था, जैसे जैसे कपड़े सूख रहे हैं मैं लाते जा रही हूँ, और फिर अभी तो समेटी नहीं हूँ, देखती हूँ कब समेटती हूँ। और यहाँ पर देखिए खाने का वक्त हो गया था, बच्चे खा लिए थे, हस्बैंड जी भी खा लिए थे। ये है मेरी थाली, बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर थाली, इसमें दाल है, चावल है, चना है, आलू भी है, सैलेड भी है, फ्रूट भी है, और सबसे बड़ी बात दाल है इसमें। दाल अपने खाने में रोज़ यूज़ करें, ये बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होता है, तो मूँग की दाल, रहड़ की दाल, ये सब तो आप यूज़ करनी ही चाहिए। और देखिए रोटी जब भी खाने बैठे ना तो इस तरीके से अपने रोटी को ज़रूर तोड़ ले, इस तरीके से तोड़ के रखेंगी ना तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगी कि हाँ बड़ा बड़ा निवाला खा लिए, ऐसा नहीं होगा। और खाने वाला वीडियो पता नहीं डियर बना नहीं या गायब हो गया पता नहीं, सॉरी, मैं नेक्स्ट बार ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगी करके
तो खाना खा ही रही थी तो देखिए फिर से मौसम कर दिया है बारिश वाला। हमारे तरफ ना रोज़ बारिश हो रही है, शाम में बारिश होती है और सुबह में बहुत ही कड़ाके की धूप निकल जाती है जिसके वजह से बहुत ही उमस वाला गर्मी कर देता है और हालत हो जाती है हमारी ख़राब। तो बारिश हो रही थी जिसके वजह से बहुत चमक रहा था, गरज रहा था, तो मैं फिर कुछ और नहीं सूट की। अभी शाम का 7 बज रहा है, शाम बत्ती देने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैं इंसानों के लिए खाना बना रही हूँ और मेरी बेटी अपनी गुड़िया के लिए रोटी बना रही है। चलिए इसी बहाने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है बच्चों को कि किचन में जाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना दाल, चने की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे एक दो बार कमेंट आया था चने की दाल की रेसिपी के लिए। तो रात में मैं जल्दी सूट नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे तरफ ना थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम रहता है, वोल्टेज कम हो जाता है जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आती है, इसीलिए मैं रात में नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा है कि उन्हें रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर उनसे शेयर करूँगी। तो डियर यहाँ पर मैं सबसे पहले सरसों तेल डाल दी हूँ, उसमें तेज़पत्ता डाल दी, जीरा डाल दी और सूखी मिर्ची डाल दी हूँ। हालांकि ये सूखी नहीं है, हरी मिर्ची ही है लेकिन ये मतलब सूख गई है, लाल हो गई है। तो इसे डालने के बाद मैं थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके रखी थी उसे भी डाल दी हूँ। इसे थोड़ा सा चला लेंगे, थोड़ा सा चलाने के बाद अब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर जब पक जाएगी उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे सिंपल मसाले। और चने की दाल में मैं कभी भी लहसुन या प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ, हमें इस तरीके से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए। तो टमाटर हो गया था, उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले डाल दी हूँ जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, साथ ही काश्मीरी मेथी डाल दी हूँ। इसे भी चलाकर अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे हम लोग जो चना मसाला आता है ना, जो हम लोग चने में डालते हैं, तो चना मसाला डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा स्वाद लाता है, अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं डालती थी लेकिन एक दिन डाली तो काफ़ी अच्छा लगा। तो सारे मसाले मेरे भुन गए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर डाल दी हूँ चना दाल। और चना दाल स्वाद तभी लगता है जब चना दाल जो होता है ना अच्छे तरीके से गल जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी टाइट रहेगा ना तो फिर वो स्वाद नहीं आता है, इसीलिए चने दाल को ना बहुत ही अच्छे से गला लें ताकि जैसे लगे कि हाँ वो घुल गया है। इस तरीके से रहेगा ना तो बहुत ही परफेक्ट लगेगा। और आप एक बार इस तरीके से बनाकर आप लोग ज़रूर चना दाल खाएं बिना लहसुन प्याज यूज़ किए हुए, सच में बताती हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। और आज मेरी मिर्च डालना भूल गई। मैं हमेशा बोलती हूँ कि खाने का स्वाद तो अच्छा होना चाहिए लेकिन उसका लुक भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज मैं भूल गई थी। आप लोग डालना, देखने में और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सारे मसाले पानी डालने के बाद बस लास्ट में थोड़ा सा बॉईल आ गया, उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ MDH का गरम मसाला। जो भी खाना आप बिना लहसुन प्याज का बनाती है ना उसमें आप MDH का गरम मसाला यूज़ करें, बहुत ही अच्छा स्वाद लाता है, बहुत ही अच्छा। जैसे हम लोग चने आलू की सब्ज़ी भी बनाते हैं या फिर दाल बनाते हैं या फिर सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, तो अगर उसमें आप MDH का गरम मसाला डालेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगेगा। और इसमें कोई भी गार्लिक वगैरह का यूज़ नहीं किया हुआ रहता है, वरना बहुत सारे गरम मसाले में ना रहता है, तो इसमें कुछ नहीं रहता है। तो खाना बनकर हो गया है तैयार, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उसे ठंडा कर लेते हैं। तब तक जितना भी सिंक में बर्तन पड़ा हुआ है उसे धुल लेते हैं। वो धुल ली थी, उसके बाद फिर सभी के लिए लगा दे रही हूँ खाना। टाइम अभी हो रहा है 8:15, ऐसे ही टाइम हो रहा था तो बेटा मेरा खा लिया था, उसे मैं रोटी बना रही थी ना उसी वक्त वो खा लिया था। और हम लोग अभी तीनों खाने बैठे हैं और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा सा, आप देखे ही मेरी थाली, पूरे थाली को मैं फिनिश कर ली थी जिसकी वजह से थोड़ा सा हैवी जैसा लग रहा था, खाने का मन नहीं हो रहा था। तो जब भी आपको खाने का मन नहीं हो तो अगर थोड़ी छोटी मोटी सी भूख होती है तो आप थोड़ा ही खाना खाएं या फिर आप 2 गिलास पानी पीकर ही सो जाएं। जब आपको ऐसा लगता है खाएं या ना खाएं तो हमेशा ना खाने का ही ऑप्शन चुनना चाहिए, खाने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहिए क्योंकि वो फिर आपके सेहत पर इफ़ेक्ट डालता है, फिर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप ना ही खाएं, लेकिन छोटी मोटी भूख हो तो ऐसा खा लें। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा दाल ले रही हूँ, इसे ही खा लूँगी क्योंकि मुझे उतनी भूख नहीं थी, हल्की फुल्की भूख थी, तो इसीलिए थोड़ा सा दाल मैं खाकर अपने आप को संतुष्ट करूँगी। और ये थोड़ी सी हैवी होती है चने की दाल लेकिन ना मुझे बहुत पसंद है और अच्छा लगता है मुझे, तो और अच्छी बनती भी है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ले ली हूँ। और खाने के बाद डियर कभी भी बैठे नहीं, आप थोड़ा बहुत काम करें। इस चीज़ को जो छोटे मोटे मोटे जो ट्रिक मैं बताती हूँ ना, इन सभी चीज़ों को आप यूज़ करें। आप नोटिस करना आपका ना जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना वेट लॉस होना तो फिर बहुत जल्दी जल्दी होगा। आप ऐसा करना,
तो बर्तन धुल ली थी, उसके बाद फिर आ गए हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ, रात के 10 बज गए थे और हम लोग दोनों को नहीं मालूम है कि हम लोग का वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन मेरी बेटी यहाँ पर वीडियो बना रही है। तो ऐसा ही मस्ती होता है, मैं इनको ये तुरंत खाना खाने के बाद लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। मैं बोल रही थी इनको कि खाना खाने के बाद चलिए, तो नाटक चल रहा है। तो डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग कमेंट कर ज़रूर बताएं। हाँ, कभी कभी कमेंट का रिप्लाई करने में मुझे देर हो जाता है, लेकिन करती मैं ज़रूर हूँ। तो इसीलिए आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, जो भी सवाल हो, ज़रूर बेझिझक मुझसे पूछें, मैं सब का जवाब आंसर ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें।